नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काबेरी बैनर्जी और मैं एडवांस फर्टिलिटी IVF सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि COVID-19 कैसे स्प्रेड होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। COVID-19 एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि जिसी भी व्यक्ति को हो गया है उसके ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। ड्रॉपलेट मतलब जैसे कोई खांसता है, छींकता है, तो उसके जो ड्रॉप्स बनते हैं उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट से दूसरे पर्सन को हो सकता है। तो या तो आप उस पर्सन के बहुत नज़दीक हो जाएंगे तो डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकता है, या अगर वो ड्रॉपलेट किसी भी वस्तु जैसे फ़ोन पे, टेबल पे, बुक्स पे गिरा है और आपने उधर टच किया और फिर उसी हाथ से अपने फेस पे, आपने मुंह को, नोज़, आईज़ में टच किया, ये सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो कि वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। ये करीब आने से ये बीमारी स्प्रेड होती है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? हमें नहीं पता कि किस पेशेंट को, किस व्यक्ति को COVID-19 है, तो हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने हैं और ये हमारे सरकार ने, WHO ने सर्टेन डायरेक्टिव्स दी है हर किसी को फॉलो करने के लिए। इसको ये भी कहा जाता है डू द 5, 5 चीज़ अगर हम फॉलो करें तो हम इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। फर्स्ट है स्टे एट होम, सेकेंड इज वॉश योर हैंड्स, थर्ड इज अवॉइड टचिंग योर फेस, फोर्थ इज सोशल डिस्टेंसिंग और फिफ्थ इज रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो हम सबको थोड़े से डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टे एट होम, स्टे एट होम मतलब आप उन लोगों से दूर रहे जिन्हें कोविड हो सकती है। आप नहीं जानते किसको है किसको नहीं है, तो जितना आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या उससे भी ज़्यादा, जब तक इस महामारी की पीक ना जाए और ये डिज़ीज़ नीचे ना जाए, आप अपने घर में ही रहे सो दैट आपकी रिस्क कम हो जाए। सेकेंड इज वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, इसका मतलब ये है कि बाय चांस आपने कहीं किसी व्यक्ति, किसी चीज़, कहीं आप बाहर चले गए, कहीं पे भी अगर आपके हाथ कंटेमिनेट हो गए तो यू हैव टू बी केयरफुल टू वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। हमें ये नहीं पता होगा कि हाथ कब कंटेमिनेट हुए, तो फ्रीक्वेंटली हाथ को साबुन और पानी से वॉश करना चाहिए और ये ध्यान रहे कि सिर्फ सामने का हिस्सा नहीं, पीछे का भी हिस्सा अच्छे से वॉश करे, उंगलियों के बीच के एरियाज वॉश करे, मिनिमम 20 सेकेंड्स वॉश करे। सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट एवरी सैनिटाइज़र, क्योंकि अल्कोहल होना बहुत ज़रूरी है इस वायरस को मारने के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कौन से सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट वॉशिंग योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट वे। थर्ड, अवॉइड टचिंग योर फेस, ये हमने ऑलरेडी बोल दिया है, बार बार अपने फेस को टच ना करें। फोर्थ इज सोशल डिस्टेंसिंग, आप जैसे अभी भी हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रेस और अन्य ग्रुप जो वर्कर्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, हमारे पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रख रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं कुछ लोग, सो इवन देयर वी हैव टू मेंटेन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब आप किसी भी व्यक्ति के 2 मीटर करीब ना आए। बाय चांस उनको है या आपको है, आपको पता नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट
होने का चांस 2 मीटर या 6 फीट डिस्टेंस आप ज़रूर मेंटेन रखें। इसके साथ साथ आप भीड़ ना करें, ग्रुप्स में ना रहें, मास गैदरिंग ना करें। अब ये हमारी मॉरल सोशल पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है एंड ईच एंड एवरी वन मस्ट फॉलो इट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। लास्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी हाइजीन मतलब किसी को भी खांसी है, जुकाम है, मौसम बदल रहा है, हो सकता है, सो ये नहीं कि हम ओपन में खांसे और ओपन में छींके, टिश्यू पेपर यूज़ करें, उसको अच्छी तरह से डिस्कार्ड करें, एल्बो ऐसे करके आप छींके या खांसे ताकि आपके ड्रॉपलेट्स किसी और तक ना पहुँचे। इसके साथ जो है मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ गया है एंड एवरीबॉडी, आज मैंने सर्जिकल मास्क पहना है, सभी के पास सर्जिकल मास्क नहीं हो सकते, तो घर में कोई भी कपड़ा को स्टिच करके फेस के अराउंड टाई कर लें कहीं भी घर के बाहर जाने के लिए ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है कि ये जो बीमारी है ये एक रैपिडली इवॉल्विंग बीमारी है, मतलब ये नई बीमारी है, अभी भी साइंटिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल, वर्ल्ड ऑफिशियल्स पता लगा रहे हैं कि ये कैसे फैलता है, कैसे बदल रहा है, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आप अपडेट रहिए कि कोविड की क्या क्या न्यूज़ है और जैसे जैसे डायरेक्टिव्स आ रही हैं यू फॉलो देम। So, I wish you all good health and safety. Stay at home, stay safe. Thank you.